गाइस सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद को आपको कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड को भी ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड करना है अपने फोटो के मॉडल को। मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। देन उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसका बैकग्राउंड मैच कर दिया है। देन इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शैडो का, इस पर आपको क्लिक करना है। शैडो पर क्लिक करने के बाद इसका जो ब्लर है उसको फुल कर देना है दोस्तों, और आपको यहाँ पोजीशन पर जाना है और इसका जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे शैडो को कुछ इस टाइप से, और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देन इतना रखने के बाद आपको एडजस्ट पे दोबारा जाना है और इसकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा माइनस करना है। तो देन यहाँ से इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पर जाना है टूल्स पर, और टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद आपको जो इसका ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है। कम करने के बाद कंट्रास्ट पे जाना है और इसका जो कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा माइनस करना है। देन इसके बाद आपको क्लियरिटी पे जाना है और इसका जो क्लियरिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इसके बाद आपको सैचुरेशन पे जाना है, सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। देन इसके बाद आपको जाना है हाईलाइट्स पे, हाईलाइट्स पे जाने के बाद जो इसका अमाउंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे। देन इसके बाद आपको शेडो पे जाना है और इसका जो शेडो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ओके, यहाँ से इतना करने के बाद आपको लास्ट में टेम्प पे जाना है और इसका जो टेम्प है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम कम करेंगे। ओके, तो यहाँ से इतना हो जाने के बाद यहाँ से टिक करना है और जो हमारा पिक्सार्ट के अंदर इसका स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद आपको इस फोटो को शेयर करना है लाइट रूम। सबसे पहले आपको जाना है लाइट वाले टूल पे। लाइट वाले टूल पे जाने के बाद तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका शैडो जो है उसको थोड़ा सा माइनस करना है और व्हाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है, ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना है दोस्तों माइनस, और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, हाइलाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे। एंड उसके बाद आपको जाना है कलर वाले टूल पे। कलर वाले टूल पे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ फर्स्ट वाले कलर पे सिलेक्ट करने के बाद इसका सेचुरेशन हम माइनस कर देंगे। देन आपको सेकेंड कलर पे जाना है और इसका सेचुरेशन पूरा माइनस कर देना है। थर्ड वाले पे जाना है और थर्ड का सेचुरेशन भी माइनस। इसी तरह आपको फोर्थ नंबर पे जाना है और इसका सेचुरेशन भी माइनस। ग्रीन कलर पे जाना है और इसका सेचुरेशन माइनस। येलो कलर पे जाना है और इसका सेचुरेशन माइनस। अब आपको रेड कलर पे जाना है और इसका जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस करना है और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है 3 के आसपास, एंड नीचे है ल्यूमिनेंस इसको थोड़ा सा बढ़ाना है 10 के आसपास, ठीक है। अब आपको लास्ट वाले रेड कलर पे जाना है और इसका जो ह्यू है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना है और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है 10 के आसपास। ओके, देन यहाँ से इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन करना है और यहाँ पर आपको टेम्प का ऑप्शन मिलेगा, तो टेम्प को थोड़ा सा यहाँ पर माइनस और टिंट को थोड़ा सा माइनस, वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज 22 के आसपास एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है 6 के आसपास, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाले टूल पे और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर टेक्सचर मिल जाएगा, तो टेक्सचर को थोड़ा सा आपको माइनस करना है, थोड़ा सा माइनस कर देना है और क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और लास्ट में है वेंट्स को कम कर देना है, बढ़ा देना, ठीक है, इसको बढ़ा देना है।
30 के आसपास, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जाना है नॉइज वाले ऑप्शन पे, और इसका जो शार्पनिंग का ऑप्शन है इसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और मास्किंग भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड नॉइज एडिशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 33 के आसपास। एंड नीचे आपको कंट्रास्ट मिल जाएगा, कंट्रास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा 5 के आसपास, 6 या 8, 7 के पास रख सकते हैं। एंड कलर नॉइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आपको लास्ट में जाना है और यहाँ पर मिलेगा स्मूथनेस, स्मूथनेस को आपको 60 पर रखना है। ओके, तो 60 पर रखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और इस वाले सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, रिमूव क्रोमैटिक और इवलेंस कलेक्शंस, इन दोनों को आपको ओपन कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये लोडिंग लेगा, देन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ से जो हमारा लाइट रूम का कलर करेक्शन था वो कंप्लीट पूरा हो चुका है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो बिफोर थी एंड आफ्टर, ये हमारा बिफोर है एंड आफ्टर। तो यहाँ से इतना काम करने के बाद अब आपको इस फोटो को शेयर करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। ओके, तो स्नैपसीड में आने के बाद आपको इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ सिलेक्टिव पर आपको क्लिक करना है और फोटो को थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद कुछ स्टेप्स इसको फेस्ट करना है और सर्कल को आपको जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा साइड की ओर बढ़ाएंगे तो हमारी फेस पर देखते हैं थोड़ा सा व्हाइट्स का शेडो ऐड हो रहा है, तो यहाँ से इसको टिक करना है और हमारे फेस पर थोड़ा सा लाइट ऐड हो गई है। अब आपको दोबारा से पेंसिल पर जाना है और जहाँ जहाँ भी आपको ब्लैक नजर आए वहाँ पर आपको जाके ऐसा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर मेरे में ब्लैक्स है तो मैं वहाँ पर इसका जो कैपेसिटी है उसको मैं यहाँ पर लाइट को ऐड कर दूंगा और थोड़ा थोड़ा इसी तरह आपको ऐड कर लेना है अपने फोटो पर जहाँ भी आपको ब्लैक्स नज़र आता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा भी ब्लैक्स पर फोटो था वो काफ़ी हमारा वाइट्स हो गया है दोस्तों। देन इसके बाद आपको इस फोटो का थोड़ा सा और भी एडजस्टमेंट करना, तो यहाँ पर टून पर क्लिक करने के बाद इसका जो ब्राइटनेस है उसको यहाँ पर बढ़ा देना है, एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस करना है, और एवियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, और हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और शेडो को थोड़ा सा कम करना है, और वार्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से इसको करना है डन। अब हमारी जो फोटो थी वो कंप्लीट रिटचिंग एंड कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग हो चुकी है गाइस। यहाँ से आपको डन करके इस फोटो को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। और ये वीडियो कैसा लगेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।